Hi everybody, welcome to An Academy, welcome to the session. My name is Yagyasini Patra. So die with memories, not with dreams. Apanka jaha bhi life ra dream achi, taku pura karibata apanka task. So you always have to work hard and reach towards your dream. Ama pakre aji, toppers talk re, we have a successful person and we have a great personality who has achieved his dreams and he is here with us to share his experience with you all. So we have with us Chinmay Dash. He is OS rank 17 this year. Welcome, sir, to the session. Thank you, ma'am, for having me here in this platform. And really, I'm glad that mote ethire opportunity milila ki interview dewa pai, so that someone will be inspired by me and look forward to this examination. Yes, sir. Obviously, a session ko lakhs of students dekhibe and a lot of students will be inspired from the remote corners of Odisha. So, sir, apan ko kemta feel hoche? You are at rank 17 and at a very high executive post in Odisha. How do you feel about your success? Okay. Jetebele mu mains exam ro deke astile, setebele jetebele astile amaro apanankaro jo एग्जाम रो रिजल्ट आ देन आई वाज लाइक कि ओके आई क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन तापर मो इंटरव्यू अछि सो इट वाज सरियल एट दैट मोमेंट कि ओके स्पेशल फील लागितला तापर जेतले आमे खाली रैंक को वेट करथाउ ना से टाइम टा मते पूरा लागु थाय कि काइंड ऑफ जो दिन रिजल्ट भरे आतला आमे 4-5 दिन आगरु ओपीएस रे समस्त को हल्ला आस जे हला कि केमिति को हबो तो से टाइम रे कोन थिला कि समस्त कहथले आज रिजल्ट आसीबो काली रिजल्ट आसीबो एबोला हे कि समस्त भीतर एंजाइटी एक्साइटमेंट फुल ऑफ थिला कि केमिति होतला कि पैनिक भी थिला तो सम सॉर्ट ऑफ मिक्स फीलिंग्स थिला से टाइम रे तो जे तो रिजल्ट वाला से टाइम रे मोर गोटे घनिष्ठ मित्र थिले हला से भी ए वर्ष ओपीएससी रे मो सहित रैंक बहुत भल रैंक करथिला फाइनेंस सर्विस रे अछन से भी तो तांग सहित बहुत जिनस शेयर करथिली तो जे तो रिजल्ट आसथला तो मोर से टाइम रे नेट खोल नथला ना काइंड ऑफ सम इंटरनेट कनेक्टिविटी जहा भी से इशू पाए सो आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम सो से द रैंक चेक करले एंड दैट गाय वाज ऑलवेज सेइंग मी कि यू विल बी सिक्योरिंग बिलो विद इन 20 रैंक सर तो मोर टिके फिर भी इतरो टिके लागो था कि ओके एंजाइटी था मिक्स फीलिंग्स था तो ओके लेट्स सी ये तो रैंक असला तो मते कहले सर 17 मते लागला 70 मुकले सर कैन यू रिपीट इट अगेन से कहले 17 सर देन आई वाज लाइक कि बहुत माने लागले से टाइम रे कि ओके फाइनल इट इज रियल इट इज हैपनिंग सो बहुत खुशी लागतला आ जेतु ओडे प्रीमियर सर्विस कोनती ओडिसा रो तो आई रियली फेल्ट फॉर्चूनेट एनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद दिस रैंक एंड इनिशियली आई हैड टारगेटेड टू सिक्योर विद इन 10 बट समहाउ इट्स ओके काइंगना मते ओएस और बहुत छोटे बड़े बड़े ड्रीम थिला इच्छा थिला तो फाइनली ओएस किंबा आईएएस जोटा ड्रीम था हमर हमरो पाखु आसीला पर बड़े फीलिंग्स आसे से टाइम रे काइंड ऑफ बिलीव होनी कि ओके आई मेड इट तो से टाइम रे बहुत भल खुशी लागि थिला आई थैंक टू गॉड एंड से टाइम रे मते आखिरवा माने कांदणा आसला एंड आई लिटरली क्राइड एट दैट टाइम कि आफ्टर सो मच ऑफ पेनफुल एंड हार्ड वर्क सम अमाउंट ऑफ स्माइल एंड सम अमाउंट ऑफ यू नो पानी आसला आखिर तो भल लगता से टाइम रे सो इट वाज द फीलिंग रैंक देखला परे इट वाज सरियल एंड आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एंड सेटा ही इतला को कहबे प्रिपेयर करबा को अपन को के टाइम लगला केते टाइम रो अपन ओपीएससी पे प्रिपेयर कर छथि दिस ओएस एग्जामिनेशन बेसिकली मो डायरेक्ट कहबे नै अपन को ए एग्जाम पे पर्टिकुलरली पढथले डिफरेंट स्टूडेंट को पाए डिफरेंट एक्सपीरियंस पाए तंग जर्नी अलग था मो जर्नी अलग थिला Initially, I had prepared for UPSC, so it was basically a process. It took me at least, you know, huge amount of time, huge amount of work. So I dedicated all my efforts toward UPSC journey. So my journey to chalthila. Then UPSC dela pare. After some point of time, I realized kali ki okay, UPSC is little bit you know lengthy process. Ita bhi hoche. Taase to jehetu UPSC amko opportunity de hoche. समहा आमे ए फील्ड रे आसी कि भी किछ पब्लिक एक्सपोजर है कि पब्लिक सर्विस करिया पा एटा ओडे अपॉर्चुनिटी अछि सो इट इज बेटर टू आउट फॉर दिस एग्जाम एज वेल मो से टाइम रे भाबिथिली तो से प्रोसेस थिला सहित मु भाबिले कि चलंतु ए जिंस भी ट्राई करिया कथा ए जिंस दवा कथा आफ्टर ऑल ए सर्विस भी हबो से टाइम रे मोर आसला तो मु ए एग्जाम पा अपीयर करिया पा भाबिली आ ए फॉर्म टा पकेथिली तापर समहा भाबिली कि दबार अछि तापर ताको ओडे सिंगल माइंडली भाबि कि
I should not say that full wholeheartedly day no thili, but day thili jetho. But mains fine more about focus hai thili. Aur ekala pre hai thila. Mo pura aise thala one strategy bani ki. Mo jaane gali ki mota within this eighty rank rokhiya jis so that I will get into OS basically. So eighty rank bhi rokhiya jis. Sathi mota thi effort da apni thila. And it took at least 8 or 9 months of preparation. I must say. 8 to 9 months of dedicated preparation dedicated preparation extra optional interview जहाँ ता सहित मु जेतल लाइक विभिन्न टेस्ट सीरीज दोथली जेतल प्रिपरेशन करथली यूपीएससी पाए जेतल सब टेस्ट सीरीज दोथली से टेस्ट सीरीज मान करे जो सब्जेक्ट मु चूज करथली जीएस पेपर पाए सेटा किछ जनस कोइनसाइड करथला हम ओपीएससी सिलेबस सहित भी बट जो प्रैक्टिस और टेस्ट थला मु प्रिपरेशन रो लिखिया रो स्किल ता कि बट टेस्ट ता जहा भी सेटा जोटा मु यूपीएससी पे करथली सेटा बहुत हेल्पफुल हला हमको और ता पई मे भी कहि परबि एते फॉलो एते बेटर मार्क पाइला मो जीएस पोर्शन रे ऑप्शनल पोर्शन रे सो मते ए जिंसटा मिली परला मो सेटा कोइ परबे ओके सर आपण निजो प्रिपरेशन टाइम रे केते टाइम दोतले प्रिपरेशन पई लाइक आपण से टाइम रे वर्किंग थिले वर्किंग एज वेल एज प्रिपेयरिंग और टोटली प्रिपेयरिंग नो नो आई वाज फ्रॉम द बिगनिंग प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सो आई टोटली डेडिकेटेड माय होल यू नो टाइम फॉर प्रिपरेशन ओनली आई डिडंट जॉइन एनी जॉब एमिति तो एमिति एक्जेक्टली कोई परबे नै बट कंसिस्टेंसी थिला कि यू शुड एटलीस्ट गिव 6 आवर यू नो कांस्टेंट प्रिपरेशन माने फुल फोकस्ड हे करिवे 2 to 2 आवर्स हे कि बट एमिति एस जे देखिबे केते टाइम दोथली ओके नो डाउट 10 टू 12 आवर्स बसिया पडथला ओय पकर बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पकर सेटा टिके मेबे टफ हे जाय पूरा कंसिस्टेंसी रखी पूरा होल ईयर पढिया ट तो सेति पई आई शुड सजेस्ट कि आपन एटलीस्ट 6 घंटा डेडिकेटेडली जदि पेबे प्रिपरेशन पई आ 100% तमने न 6 घंटा अपन से जेंस को दो जंती आ 6 घंटा अलग हिच करतंती दैट विल नॉट लीड यू एनीथिंग 6 घंटा माने 6 घंटा रो पूरा कांस्टेंट प्रोडक्टिव वर्क होवा दरकार ता व्यतीत अपन पूरा होल बसिबे दिनटा पूरा होल डेडिकेटेड हेकी बसिबे ता पई सेथिर अपन 6 घंटा रो प्रोडक्टिविटी आसीबो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रोडक्टिव 6 आवर सो अपन एटलीस्ट 10 12 घंटा बसिले से प्रोडक्टिव 6 आवर ता आसे तो सेति के आसीले अ यूपीएससी पई बहुत भलो बट सेटा हेल्प करियोला मते एजेंस सब क्लिक करिया रे सो आई वुड से कि एटलीस्ट आपण जदि इनिशियल बिगनिंग रो 8-10 मास रो प्लान नै कि चल जंती देन 6 और 7 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईच डे विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल गिव यू मच बेटर रैंक विद इन 10 और 15 और 20 रैंक्स आल्सो सर वन थिंग जोटा मुझे आपको पचारिबे कि आपको ए एग्जाम पूर्वरु किछि प्रीवियस नॉलेज थिला जीके या जीएस ए सबरो प्रीवियस नॉलेज थिला या 8-9 मास रे आपन टोटली एकदम फ्रेश स्टार्ट करले सब चीज सर लाइक वाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पोर्शन गुडा को यूपीएससी या ओपीएससी सिलेबस रे कोइनसाइड करथला फॉर एग्जांपल जीएस पोर्शन एसए पोर्शन और गोटे ऑप्शनल जेतो ओपीएस रे दीटा ऑप्शनल था गोटे ऑप्शनल सोशियोलॉजी जो पोर्शन थिला तारो जो पोर्शन थिला यूपीएससी सहित सेटा सिंक करथला नॉट टू से सिंक बट सेटा सम कोइनसाइड करथला बहुत पर्सन एप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ माय ऑप्शनल पेपर वाज कोइनसाइडिंग विद यूपीएससी सिलेबस इन ओपीएससी एज वेल सो से जिनसटा थिला तो से जिनस जेतो मोर प्रिपरेशन हे जायथला तो सेटा मते हेल्प कोला आउ 10% को मु एमिति माइनस कोइल अमाउंट रे आउ बहुत कम टाइम देखि सारी परले सेटा किछ मते बडन संख्या के ओवर सम जिंस टैक्स बला लागलानी आ रहला जीएस पोर्शन ता अपन कर जीएस पोर्शन ता फु किछि पोर्शन अछि जोटा को ओडिसा स्पेसिफिक मेंस राइटिंग रे जोटा ओडिसा स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस राइटिंग ओनली ओडिसा स्पेसिफिक रे जोटा अछि ता पई एक्स्ट्रा मु एफर्ट देथिली ता पई विभिन्न सोर्स फॉलो करथिली गूगल रो हेल्प नैथिली आ किस्टा जिंस अछि ओडिसा पब्लिकेशन रो बही पढ़ी करथिली जीएस पोर्शन पई आ रेस्ट ऑफ द जिंसटा यूपीएससी आ ओपीएससी जटा क्लैश करथला सिलेबस त सेटा बहुत पई इजी हो जायथला खाली एथिरे किछि जिंस सारी ए यार मेंस प्रिपरेशन कोला करिया जे ता पई टिके फोकस करथिले अगर रेस्ट ऑफ द जिंस हे जायथला यूपीएससी रो नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि कि सर अपन जमती पर डे रे जेबे अपन पढुथले तो मल्टीपल सब्जेक्ट ने की पढंती या गोटे सब्जेक्ट एट अ टाइम लाइक फॉर एग्जांपल अपन हिस्ट्री पढु चंती तो ता संगे आउ किछ सब्जेक्ट को मिसई किना पढुथले या जस्ट वन सब्जेक्ट एट अ टाइम
लाइक पूरा डे रे अपन को टाइम मिल जाता है 6 आवर्स, सो हाउ डिड यू डिवाइड द 6 आवर्स? ओके मो पर्सनल एक्सपीरियंस होला कि एवरीबॉडी समस्त पॉइंट जनरली फेल रे हमें को भी जिंस को गोटे जिंस को पढ़ी पढ़ी चले को गोटे जिंस भी तो सम पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जॉशन आ जाए फॉर नॉर्मल ह्यूमन पे सेटा समस्त को सेट अप हुए तो से एग्जॉशन ता न आसे जेमेते आउ मोनोटोनस जिंस ता न आसे से जिंस पे सबले ऑप्शनल सहित गोटे सब्जेक्ट सबले प्रिपेयर करया दरकार सेटा ला समस्त को पाई फेलेट जोटा मूवी से करथली यूपीएससी पाई जनरली से करथली गोटे ऑप्शनल जेट थिला ओपीएससी रे दीटा ऑप्शनल थिला मेंस पाई पर्टिकुलरली कोची प्री पाई विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग मेंस पाई जो करथली कोनो ओपीएससी पाई कोची दीटा जेतो ऑप्शनल थिला सो आई डिवाइडेड दैट 6 टू 8 आवर्स व्हाट एवर मे बी टाइम एट दैट टाइम दीटा ऑप्शनल से तम जीएसपी किछ पोर्शन करथली को दिन एमिति भी होए दीटा ऑप्शनल पले अपन टाइम होबनी तो दीटा ऑप्शनल कर देबे किछ असुविधा नै जीएस जोटा पेंडिंग रहला ताको आरो दिन रिवाइज करि कि आरो दिन टाइम एडजस्ट करि सेटा करिया पड़े बट कहबे कि मोनोटोनस जिंसटा न आसे पय आउ अपन सब एनर्जाइज रह पय एंथुसियास जो बला पड़ेबे कीन इंटरेस्ट आसे पय कांस्टेंटली आपन को टिके चेंज करिया पड़थियो 2 घंटा एटा पढ़ले 2 घंटा सेटा पढ़िबे कारण 2 घंटा पढ़ला बेले से जिंस भी अछि कि 2 घंटा जोटा पढ़ु छथि केते रिटेन कर जंथि से जिंस अछि तो प्रोडक्टिविटी बहुत मैटर करे इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी इट्स नॉट दैट you are putting so much of hard work of 8 to 18 to 20 hours and you are not getting result, that is because of lack of productivity only. So in order to get better productivity apna 6 ghanta re kima 8 ghanta re particular sections divide kar deke each optional ko 2 hours and you can give your gs for another 2 or 3 hours, that would be sufficient for you know clearing this exam. Sir current affairs kemti apan cover karchanti shall I talk about pre means or pura perspective ko antu because pre re to okay. current affairs kafi cover hue fir mains re a lot of marks 100 plus marks ya 150 marks pakha pakhi current affairs ro weightage thai sabu tira apan ko current affairs likhi lehi thai to kemti apan cover kari parle mane student kemti karebe etoda ko website bhi thai like ko website ro naba katha ko ro naba katha e sabu bahut confusion thai students ko to ya ko nikina bhi se mane confuse hanti ki daily kariba katha वीकली करबा कथा न्यूज़पेपर पढिबो या फिर कंपाइलेशन नबो सो प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स ओके मु पर्सनली न्यूज़पेपर भी पढथली आ करंट अफेयर मैगजीन जोटा से मंथली मैगजीन अदर मार्केट रे जो बुकलेट सब मिलै छी फॉर एग्जांपल बिकॉज़ मु दिल्ली रे थली तो विजन इनसाइट देन आवर विद इन एकेडमी थले तांकर पब्लिकेशंस थला डिफरेंट बुकलेट्स हम रिलीज करथले फेदर मंथली और फेदर जो पीटी 365 के मेन 365 गोटा प्रहुल बुकलेट टा मिले तो आपन सेटा फॉलो करि परिबे मंथली भी फॉलो करि परिबे इट्स अप टू योर प्रिपरेशंस कि आपन केमिति करचंती जे डेली बेसिस आपन नोट्स बनो जंती सेथिरो चेक आउट करि कि फ्रेश काडी कि इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को देन सेटा भी फेयर एनफ एंड वेलकम एनफ नो प्रॉब्लम व्हाट मु जे तो सजेस्ट करिवि कि समहाउ जेतो न्यूज़पेपर मु पढ दोथली तो मो जेटा पीटी 365 फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन 365 आउट बुकलेट विजन आस्थला कि मा इनसाइट रो सेटा मेंस में पढथली करंट अफेयर टॉपिक ता तो सेते रे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो रिलेवेंट इवेंट्स उला सिलेबस रे अछि और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रे जोटा आसी सरछि से रिलेटेड मो पॉइंट टॉपिक काडी कि निजर नोट्स बने कि ए बुकलेट सब रेफर करथली एज सोर्स आ सेटा मते काफी जिंस हेल्पफुल हेगला जोटा लेखिया पई आ दैट वे फॉलो आंसर्स आ फॉलो मार्क मिलि पला सेटा लेखिया वे तो ओपीएससी रे एजेंसीटा बहुत बेटर वे रे काम करिवो तो आपन को ओरि न होय कि न्यूज़पेपर जस्ट फॉर्मली पढ़ी कि आपन करि परे गोटे जिंस को गोटे बुकलेट उठे कि मेंस 365 नले आपन विजन रो कि माइंडसेट रो कहार गोटे भी जोटा भी बुकलेट मिले कने प्राय कंपाइलेशन करि कि करंट अफेयर गडा को दे दियंति तो से जिंस यूज करि परिवे आपन तो सेटा बहुत हेल्पफुल हे परिवो किछ ओरि न वाला नै करंट अफेयर पै ओके थैंक यू सर सर जो करंट अफेयर्स पाई अछि न्यूज़पेपर पढा पड़ी तो न्यूज़पेपर टा एकदम डे 1 रो पढिबा कथा बिकॉज़ हिंदू रो जो पेपर वाला कथा है बहुत डिफिकल्ट होता को कॉम्प्रिहेंड करबा फ्रॉम द डे 1 तो स्टार्टिंग डे रो ही पढिबा कथा हाउ शुड द थिंग बी डन अगोडी जेंसो मेंस राइटिंग एकदम स्टार्टिंग रो ही करबा कथा या केमपे अकाउंटा को टैकल करबा कथा नॉट एट ऑल आई वुड सजेस्ट के मेंस केबे भी लिखे कथा ना बिकॉज़ इफ यू डोंट हैव फोल्डर और इफ यू डोंट हैव कंटेंट हाउ कैन यू अप्रोच एन क्वेश्चंस it's very difficult apan kori paribini se jinso pai you need to have
generate sufficient content ase jinso ketebala ase apuno voracious padhibe jinso bhabibe mere collecting information is not at all knowledge for your kind of information okay mose jinso kahibi samasta aspirant ko bhi kahibi utilizing that information in a valuable manner and in the relevant manner and analyzing that information is the true knowledge that is the true knowledge which will give you sufficient content sei content paila par apan jai ki ko question ko approach kari paribe first eta asibo then apan kor asibo structure structure par is a different thing first content develop kari apan content hala par apan structure asibe structure par achi peer review karibe knowledge jinso apan topos manakar answer copy dekhibe kiba au ko manaku jo manakar apan kor motivator kiba evaluation kiba guide jo man achanti se anakar help nei ki seek kari ke sei jinso structure change kari paribe but apan content hi nai starting there mains likhi kale that is the one of the disastrous idea I must say au rahila paper padhya kata first kada most of the student jani paranti ki paper padhyar kon ache seta mo seta veithila when I was beginning my preparation seta mo seta veithila so seta janiya pai first of all you need to know your syllabus apan syllabus ko pura bhalse thoroughly janiya rachi ki syllabus re agents ache syllabus dekhla par apan question paper dekhi janiya ache question re acha agents dekhi rachi mate से दिटा टैली कला परे आपन एक कंक्लूजन ड्रा करब अच्छा ए पोर्शन ए जिंस आछ ए पोर्शन रु ए जिंस आछ ए टाइप रो जिंस पचार आउ छ तो सेथिरो आपन एक कोन करी जानि परबे कि अच्छा एटा मोर रिलेवेंट टॉपिक ऑफ रिलेवेंट डोमेन ऑफ मोर इंटरेस्ट के मोइथि जाई पढे अछि न्यूज़पेपर तापर जदि आपन न्यूज़पेपर पढु चंती देन इट विल गिव सम अमाउंट ऑफ जाबे नॉलेज के सम अमाउंट ऑफ कंटेंट अदरवाइज मियरली रीडिंग फॉर द सेक ऑफ assuring yourself ki mu news paper paduchi a padhya kotha then apan khali padhi chalibe but end of will nothing bujhla kichhi end of he paribam taro jinso chalthibo sethi pai it is better to first know the syllabus know the question paper know the real topic then you should approach okay for the news paper internet sources ko apan kete use kari parle nijara preparation re internet sources ko ko website ko apan consider karle a kemte ta ko use karthle preparation re okay इंटरनेट आजिकल आपन जानथिबे मुको पई आजिकल समस्त जानि जंती बिना इंटरनेट रे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल द कंटेंट एट यू नो इन योर टेबल एट योर टेबल इट्स वेरी डिफिकल्ट सो इंटरनेट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर दिस यू नो प्रिपरेशन मुको पई परबे मते बहुत हेल्प कोला जेतो ओपीएससी का पर्टिकुलरली कोजी देन आई विल कम टू यूपीएससी यू नो ओपीएससी रे बीएड प्रीलिम्स बी मेंस बीएड इंटरव्यू I totally relied on internet. Without internet, I could have not done anything. Frankly speaking, internet re jo jinsa gula ko mor source pai mote struggle kariya paduthila, I could get easily on internet. Kisha jinsa thaye jota ki apan ko sabu jara plenty of jinsa milijo, jota ki UPSC re achi. Mane ko bhi ki gote blog likhi dithibo, ki mane ki gote kichhi jinsa ta bisare jani likhi dithibo, jota ki internet re UPSC re apan ko easily milijibo, ki mane ko gote books through re milijibo. Okay. बट ओपीएससी पे आपन को पर्टिकुलर खोजिया पडतला बहुत जिन सर्च करे पई सर्च ओवर गो वेब पेज है कि ता पर आहो इधर को पसी के स्ट्रगल कर खोजिया पडतला सो आई मस्ट से कि इंटरनेट बहुत दरकार है जिन सब पे प्रिपरेशन पे बीट करंट अफेयर हो किबा आजकल एमिते हलानी क्वेश्चन पेपर उडा के बहुत डायनामिक चल जिन सडा को आगु थिला एमिते कि गोटे सर्टन पोर्शन थियो सेतिर क्वेश्चन आस्तला बट एबे pattern change halani be it upsc be it opsc or be it whatever examination you must be knowing this ki ta pai kon hoji ki apno jodi ticket dynamic nijo ko change the system sata acquainted na rakhibe it is difficult to grasp all the content bujhile ki ma grasp the core of the thing sethi pai internet bahut reliable so I must say ki everyone should have a proper internet connection if not then everyone should have a smartphone it will really help you a lot समस्त एक्सपीरियंस को कहबे कि जो जो साधन न मिलबो किछि वेबसाइट रो ना कोई परबे जोटा अपन यूज करथले ताकि स्टूडेंट्स को टिके हेल्प हो परबो बिकॉज़ अपन को देयर इज अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन सो ओके प्लीज हेल्प देम फिल्टर आउट सम ऑफ द कंटेंट्स ओके फॉर एसए सेक्शन ओके नॉट फॉर एसए फॉर जीएस पोर्शन एज वेल एज एसएन इंटरव्यू आल्सो मु मोस्टली फॉलो करथली आरएस टीवी राज्यसभा टीवी जोटा के बिग पिक्चर और डिबेट आसे बिग पिक्चर वाले के सेटा मु सब बेले मैक्सिमम टाइम फॉलो करथली आ सेथिरो मु नोट्स बेले बेले बट बेले बेले मोर मैक्सिमम टाइम बने रहथली किछ किछ नोट्स उडा से आरएस टीवी रो जो रिलेवेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन आ फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड इशू होला फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी होला
কিংবা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এর কিছু গোটে জিনিস টপিক চললা মেবি এসসিও মেবি ডব্লিউটিও মেবি ইউএন হোয়াট এভার বি দ্য কারেন্ট টপিক গোয়িং অন কোউ জিনিস বি ইস্যু হলা সেই আপকামিং ইস্যুটা কিংবা সে রিলেভেন্ট অনগোয়িং ইস্যুটা সেটা আরএসটি বিগ পিকচারে বহুত ভালসে ডিসকাস হয়ে বহুত ভাল ভালসে মানে ইন দ্য সেন্স মানে বহুত ভালো ভালো এরুডাইট পার্সোনালিটি গুলা সেটি থাকে অ্যান্ড দে হ্যাভ এ ভেরি হেলদি ডিসকশনস অ্যান্ড ইউ উইল বি রিয়েলি এনরিচড উইথ কন্টেন্ট বহুত ভালো ভালো জিনিস জাঁপারে আর রিলেভেন্ট জিনিস গুলা জাঁকি নোটস বনাইবে আপনি ট্যালি করদে আপনার সিলাবস সহ কোশ্চিন পেপর সহ আউ অ্যাড অন করবে যে নোটসটা আপনার আগর বনাইবে সে টপিক উপরে তাকে অ্যাড অন করে চলবে তো স্পেসিফিকালি গোটে জিনিস মু কলি আরএসটি গোটে হেলা আউ উইকিপিডিয়া তো এটা কমন থিং যেটা কি আপনি জাঁচান সমস্ত ইউজ করতে তা ব্যতীত যেহেতু মোর অপশনাল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন লা সেটি মু ডিফরেন্ট ওয়েবসাইট কু যাই কি ফর এক্সাম্পল আপনার ইউএন হলা ইউএন ফর এক্সাম্পল কিংবা UNHCR hala human rights rota hala ke WTO rahla kimba BRICS summit rahla tara website ku jai ki sithir kichhi relevant information jathibo jota ke mota help koribo holo mark secure koribar mu seta visit karthi au apan on academy kichhi kichhi jinso video dekhichi for example environment kichhi ta jinso porichi sithir bi mona koribeni bahut mu sithir dekhichi sithir jin janchi basically youtube ta bahut help korchi kana ko bi jinso apan doubt hala na যদি ইমেজারি ফর্মে দেখবে না তো ভালো আকারে কি যদি বুঝে থাকে ভালসে দেন ইউ উইল হ্যাভ মোর মোর ক্লারিটি সেই জিনিসটা আসে রাদার দেন ভিজিটিং ইউর ওয়েবসাইট ইফ ইউ গো টু ইউটিউব অ্যান্ড গেট ইনফরমেশন ফ্রম দেয়ার ইট উইল বি মোর হেল্পফুল তো সেই জিনিস বেছে আর কেউ জিনিস যেটা ইউটিউবে না মিলি পারলা হোয়াট ক্যান ইউ ডু আপনার সেই জায়গায় সুইচ করি পড়ে ওয়েব পেজ কন্টেন্ট কু যাই সেই কিছু জিনিস মিলছে তারপরে মোর যেহেতু কিন ইন্টারেস্ট লা পিএসআইআর এজ এ অপশনাল তো সেই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন জিনিস মু অবজর্ভার রিসর্চ ফাউন্ডেশন গোটা আছে গোটা আপনার এনজিও টাইপ র জিনিসটা আছে অবজর্ভেশন রিসর্চ ফাউন্ডেশন তার বি কিছু জিনিস যাই ওয়েব পেজ রু সে জিনিস পড়াপড়ি করি এমইউ এমইউ রু বহুত কিছু জিনিস পড়াপড়ি করি ইন্টারেস্ট উপরে হল আউ সোশিওলোজি অনলাইন কন্টেন্ট রিলাই কলি ইগনোর মেটেরিয়াল সব ডাউনলোড কলি এজ মাই অপশনাল লা সোশিওলোজি মোর অপশনাল লা তো সেই অনলাইন কন্টেন্ট মধ্যে মিলিগলা তাছাড়া ইউটিউবরে বি কিছুটা একাডেমি আছে যেমন আপনার ইনস্টিট্যুট হল কিংবা অলগা কিছু হল সেই মধ্যে হেল্প মিলছে সো এজ সচ স্পেসিফিকালি গোটে দুইটা ওয়েবসাইট যেটা না নেলি সেটা বি হেল্প করছে আর কিছু বি জিনিস আছে সো সেটিকে আও